हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ भटूरे बनाने का तरीका। बहुत लोगों ने मुझसे बोला है कि यार छोले बनाने तो सिखा दिए, पर भटूरे बनाने का कोई ऐसा तरीका बताओ जिससे हमारे जो भटूरे हैं वो एकदम फूले और अच्छे बने, जैसा हम खाना चाहते हैं वैसे हम खा सके। तो आज मैं इस वीडियो में आपके साथ कुछ ऐसे ही टिप्स और ट्रिक्स फॉलो करूँगी, जिनको अगर आप फॉलो करेंगे तो आपके भटूरे भी बिल्कुल वैसे बनेंगे जैसे आप खाना चाहते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करिएगा। यहाँ मैंने एक परात ली है और अब इस परात में मैं मेरा डो तैयार करूँगी। यहाँ मैंने 2 कप मैदा लिया है, वो मैंने इस परात में डाल लिया है और अब इसमें एक बीच में होल करके मैं इसमें कुछ इंग्रेडिएंट्स ऐड करूँगी। जैसे यहाँ पर मैं सबसे पहले जो इसमें ऐड करूँगी वो है मेरा स्पेशल जो है तेल। ये 1 कटोरी मैंने रिफाइंड ऑयल लिया है, इसको मैं इसमें बीच में डाल दूंगी। इससे हमारे जो भटूरे हैं वो बहुत ही फ्लफी बनेंगे, ये बहुत मेन है। तो यहाँ मैंने इसको 2:1 के रेशियो में लिया है। फिर मैंने यहाँ पर बेकिंग सोडा लिया है, ये मैंने 1/4 चम्मच लिया है, इसको मैं इसमें डाल दूंगी। और ये मैंने बेकिंग पाउडर लिया है, इसको भी मैंने 1/4 चम्मच लिया है। ये दोनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इनको आपको इसमें ऐड करना ही है। अब मैं इसमें ये 2 टेबलस्पून चीनी ऐड करूंगी, ये मैंने जो टेबलस्पून खाने वाली जो चम्मच होती है उससे ली है। तो ये 2 चम्मच मैंने इसमें चीनी डाल दिया है। अब मैं इसमें ऐड करूंगी ये दही का पानी, जो जिसे हम मठा बोलते हैं, इसमें मैंने थोड़ा सा दही भी मिलाया और ये पानी भी, ताकि इसमें एक्स्ट्रा जो पानी है वो हमें डालने की ज़रूरत ना पड़े। और अब इन सबको मिक्स करके हम इसका एक अच्छा सा डो फॉर्म कर लेंगे। तो यहाँ आप देख सकते हैं मैंने इसका एक अच्छा सा सॉफ्ट जो डो है वो रेडी कर लिया है। याद रखिएगा हमें इसका बहुत ही सॉफ्ट आटा लगाना है, अगर आटा कर रहा होगा तो आपके जो भटूरे हैं वो अच्छे से नहीं फूलेंगे और उनमें अंदर थोड़ा सा जो मोटापन आता है वो आ जाएगा। तो इस पर मैं थोड़ा थोड़ा करके पानी डालूँगी और इसको एकदम नरम आटा लगाऊँगी इसका। तो अच्छे से इसको हाथ से इस तरीके से मसलना है आपको, अच्छे से इसको गूंथिए, क्योंकि यही मेन प्रोसेस है। ये देखिए मेरा जो आटा है ये कितना अच्छा खिंच रहा है। तो आपका जो आटा बनाने का तरीका है यही मेन है, क्योंकि भटूरे बेलने में कोई बड़ी बात नहीं है लेकिन ये आटा ही मेन है। अब आप देख सकते हैं मैंने इसका कितना अच्छा सॉफ्ट डो रेडी किया है, बिल्कुल एकदम नरम आटा मैंने लगा लिया है। तो अब हमें क्या करना है, इसको थोड़ा रेस्ट देना है, इसको थोड़ी देर के लिए फर्मेंट करेंगे हम। तो यहाँ मैं इसको एक गीले कपड़े से ढक दूँगी और करीबन 1.5 से 2 घंटे बाद हम इसके भटूरे बनाएंगे, तब तक ये अच्छे से फर्मेंट हो जाएगा। तो मैं इसको अब 1.5 से 2 घंटे का रेस्ट देती हूँ और उसके बाद हम इसके भटूरे बनाना शुरू करेंगे। यहाँ मुझे करीबन 1.5 से 2 घंटा हो गया है इसे रखे हुए। तो अब मैं इसको हटा लेती हूँ और आप देख सकते हैं कि मेरा ये जो डो है ये कितना अच्छा हो गया है, ये साइज़ में भी थोड़ा डबल हुआ है और बहुत ही सॉफ्ट है। तो इसको मैं अपने हाथों से इस तरीके से अच्छे से एक बार और मत कर फिर इसके पेड़े हम बनाना शुरू करेंगे। जितना अच्छे से आप इसको गूंथेंगे उतने ही अच्छे आपके भटूरे बनेंगे। और इस डो को आपको पटकने की भी कोई ज़रूरत नहीं है, पटक पटक के बनाने की भी ज़रूरत नहीं है। चलिए अब मैं इसके पेड़े तैयार करती हूँ। आप अपने भटूरे जैसे बनाना चाहते हैं, अगर आप बड़े बनाना चाहते हैं तो बड़े पेड़े बना लीजिए, अगर आप छोटे बनाना चाहते हैं तो छोटे। यहाँ मैं मीडियम साइज़ के पेड़े बनाऊँगी, ना ज़्यादा बड़े और ना ज़्यादा छोटे। यहाँ मैंने एक कढ़ाई में तेल गर्म होने के लिए रख दिया है और ध्यान रखिएगा आपको इस कढ़ाई को पूरा भरना है तेल से, जैसे मैंने भरा है, क्योंकि भटूरे फूलने में 2 चीज़ें ही मेन होती हैं, एक भटूरे में जो आटा होता है उसमें कितना पानी आपने डाला है और आपने कढ़ाई को किस तरह भर के रखा है। तो यहाँ अब मैं अपने इस भटूरे को बेलूँगी, ये चकले के मदद से मैं इसको बेलूँगी। शेप पर आपको बिल्कुल नहीं जाना है कि आपके भटूरे जो हैं वो गोल नहीं हो रहे हैं या कैसे नहीं हो रहे हैं, आपको शेप पर ध्यान नहीं देना है, आपको इसे चारों तरफ से अच्छे से बेल कर रखना है। और ये देखिए मैंने मेरा भटूरा जो है वो बेल लिया है अच्छे से।
आपको इसकी साइड्स को अच्छे से बेलना है। और यहाँ मेरा तेल गर्म हो गया है, तो अब मैं अपना ये जो भटूरा है ये तेल में डालूँगी। तो चलिए ये देखिए, मैंने इसको तेल में डाला और इस तरह से एक झार की मदद से मैं ऐसे तेल इसको दूंगी। और ये देखिए कितना अच्छा भटूरा जो है मेरा एकदम फूल गया है। मैं आपको इसको दूसरे एंगल से भी दिखाती हूँ। ये देखिए बिल्कुल गुब्बारे जैसा, ये देखिए कितना अच्छा फूला है और एकदम दिखने में भी बढ़िया लग रहा है। तो इसको अच्छे से मैं पका लूँगी चारों साइड से पूरा। ये देखिए तेल में अच्छे से डूब जाना चाहिए, ना ही इसमें बिल्कुल एक्स्ट्रा ऑयल भरा है और ना ही कुछ भी। ये देखिए कितना अच्छा और फ्लफ़ी मेरा भटूरा जो है वो बनके एकदम गुब्बारे जैसा, बलून जैसा जो है वो रेडी हुआ है। मैं इसको आपको एक बार खोल कर दिखाती हूँ। ये देखिए अंदर से भी आप देख सकते हैं कितनी अच्छी जो इसकी जालियां हैं वो भी कितना अच्छा बढ़िया बना, बिल्कुल बलून जैसा बना है। आप भी इसको ट्राई करिए।